इस वीडियो में हम क्लास 7 के चैप्टर पढ़ेंगे। चैप्टर नेम है हेनरी। हेनरी मैं आपको हिंदी में डिटेल में समझाने वाली हूँ। ये पहले से हमने इसका पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो पढ़ रखा है। अगर आपने अभी पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पर क्लिक करके आप मेरे ही चैनल पर वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो हेनरी था, जो उनका पेट गिरगिट, तो वो नैरेटर पे किस तरह से, मतलब बहुत टाइम लिया था उसने ट्रस्ट करने में। इतनी आसानी से उसने किसी पे भी ट्रस्ट नहीं किया था, जबकि जो हमारे नैरेटर है उन्होंने उससे बहुत ही फ्रेंडली एक उसको जेस्चर दिया, मतलब दिया था, और बहुत ही मतलब फ्रेंडली बिहेव करने की कोशिश की थी, फिर भी उसने इतनी आसानी से भरोसा नहीं किया था। टायरिंग ऑफ हिज वेयरिंग एटीट्यूड आई वुड टिकल हिम जेंटली इन द रिब्स विथ माई फिंगर। अब यहाँ पे वो क्या करता था कि बहुत जो नहीं होता है एक तरह से कुछ डर, मतलब कोई डरता है तो नहीं, एक थोड़ा सा किसी से प्रोटेक्शन लेके चलता है, थोड़ा सा किसी से बच के रहता है, तो वो वैसे बच के रहता था गिरगिट। तो इस वजह से नरेटर क्या करते थे कि उसके रिब्स में, फेफड़े के पास बाहर से क्या करते थे कि थोड़ा सा उंगली डाल करके उसको गुदगुदी करते थे। दिस ऑलवेज थ्री हिम इनटू अ ग्रेट रेज। अब वो क्या करते थे कि उसको और ज्यादा गुस्सा दिला देते थे, इस तरह से उसको गुदगुदी करके गिरगिट को और ज्यादा गुस्सा आ जाता था जब गिरगिट को ये गुदगुदी करते थे। ही वुड ब्लो हिमसेल्फ अप टू एन इनॉर्मस साइज एज हिज लंग्स फिल्ड अप विद एयर। और वो अपने आप को ऐसे फुला लेता था ना, इतना बड़ा साइज का कर लेता था, वो क्या करता था कि अपने लंग्स में पूरा हवा भर लेता था और बिल्कुल बड़ा सा हो जाता था, गुस्से में ऐसा करता था वो। वाइल हिज कलर चेंज फ्रॉम ग्रीन टू रेड। और उस वक्त वो हरे रंग से लाल रंग का दिखने लगता था जब वो गुस्से में होता था। ही वुड सिट अप ऑन हिज हिंड लेग, स्वैंग फ्रॉम साइड टू साइड, होपिंग टू ओवरऑल मी। अब वो क्या करता था ना कि वो अपने, मतलब जो उसके पैर थे ना, वो पैर पे ऐसे अड़ के, नहीं होता किसी को डराने के लिए ऐसे आगे पीछे होना, वैसे वो डराने के लिए, ओवरऑल का मतलब होता है किसी को डराना, तो इस तरह से वो डराने की कोशिश करता था नैरेटर को। ओपनिंग हिज माउथ वेरी वाइड, और अपने मुंह को बहुत बड़ा खोल लेता था वो गिरगिट। ही वुड लेट आउट एन एंग्री हिस, और बहुत ही जोर से हिस की आवाज निकालता था बहुत ही गुस्से में, ताकि वो डर जाए नैरेटर। बट हिज थ्रेटनिंग डिस्प्ले वेंट नो फर्दर, ही डिड नॉट बाइट। लेकिन उसका जो वो डराने वाला जो तरीका था ना, उसका कोई असर नहीं होता था नैरेटर पे। लेकिन ये भी था कि वो गिरगिट था ना, बस डराता था, कभी उसने काटा नहीं था, बाइट नहीं किया था किसी को भी। हेनरी वॉज अ हार्मलेस फेलो। हेनरी जो था, जो गिरगिट था, वो बिल्कुल ही कोई नुकसान पहुंचाने वाला जंतु नहीं था। इफ आई पुट माई फिंगर इन हिज माउथ इवन ड्यूरिंग हिज वाइल्डेस्ट मोमेंट, ही वुड सिंपली वेट फॉर मी टू टेक इट आउट अगेन। वो बता रहा है नरेटर कि अगर मैं उस हेनरी के मुंह में अपना उंगली भी डाल देता ना, तो भी अगर वो बहुत वाइल्डेस्ट मोमेंट में है, बहुत गुस्से वाले मोमेंट में है, अगर उस टाइम पे भी अगर उसके मुंह में उंगली डाल देते ना, उसके माउथ में, तो भी वो बाइट नहीं करता, वो बस इंतजार करता कि वो अगला इंसान अपना उंगली कब वापस निकालेगा, लेकिन ये उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। आई सपोज ही कुड बाइट, इनको ऐसा लगता था कि वो शायद काट लेगा, बट वो ऐसा नहीं कर सकता करता था। His rigid jaws carried a number of finely pointed teeth। उसके जॉ में, जबड़े में बहुत सारे नुकीले दांत थे, ताकि वो अपने खाने को उसी से खाता था। But Henry seemed convinced that his teeth were there for the sole purpose of chewing food, not fingers। लेकिन कहीं ना कहीं ये बता रहे थे कि हेनरी ने इस चीज के लिए अपने आप को कन्विंस कर रखा था, समझा रखा था कि उसके जो वो नुकीले दांत हैं, वो सिर्फ खाने की चीजों को चबाने के लिए, किसी की उंगली को चबाने के लिए नहीं है। Henry was sometimes willing to take food from my hands. This he did very swiftly. वो बता रहा है कि किस तरह से हेनरी जो है, कई बार वो उनके हाथ से खाना भी ले लेता था, मतलब उनके हाथ में खाना होता, तो वो कैसे बहुत ही swiftly, बहुत ही smoothly खा लेता था। His tongue performed like a boomerang, क्योंकि उसका जो जीभ था ना गिरगिट का, वो बिल्कुल boomerang की तरह, जैसे नहीं किसी चीज को वैसे बाहर दूर करें, हम दूर फेंके ना, तो वो वापस घूम के आता है, तो इस तरह का जीभ होता है उसका, टंग होता है, आपने देखा होगा शायद इस तरह से, तो वो इस तरह से उनके नरेटर के हाथ से खाना भी लेकर के खा लेता था। एंड ऑलवेज केम बैक टू हिम विद अ फूड, यूजुअली एन इंसेक्ट अटैच टू इट। और जब भी वो अपनी जीभ बाहर निकालता था, तो उस पर कोई ना कोई इंसेक्ट्स वगैरह या खाने की चीज को वो अटैच करके ही अपने मुंह में ले लेता था। Although Henry didn't cause any trouble in our house, और हेनरी ने कभी हमारे घर में किसी भी तरह का कोई मुसीबत भी खड़ा नहीं किया था। He did create somewhat of a riot in the nursery school down the road. It started out quite innocently. बता रही कि बस एक बार ऐसा नर्सरी स्कूल जो होता है ना, छोटे बच्चों के स्कूल, उसमें कुछ ऐसा हो गया था उससे गलती से, जिसमें कि बहुत ज्यादा ही शोर शराबा वाला कंफ्यूजन हो गया था। रियोट का मतलब होता है ना बहुत भगदड़ हो जाना, शोर शराबा हो जाना, तो उस टाइप से कुछ सीन क्रिएट गिरगिट की वजह से हो गया था।
हेनरी की वजह से। तो वो क्या हुआ था अभी हम इसको इसके अगले पार्ट में पढ़ेंगे, अगली वीडियो में, जो कि इसका पार्ट 4 है, और उसमें हम इस चैप्टर को पूरा कवर भी कर लेंगे। तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई होप आपको यहाँ तक चैप्टर जो है बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।